जो है 132/33 के वी जी एस एस पूर्णिया में कार्यरत हूँ एज ए असिस्टेंट ऑपरेटर। मेरा कंट्रोल रूम में ड्यूटी रहता है। 12 में जो कट ऑफ गया था वो कितना था और आपका नंबर कितना था? की पढ़ाई का रूटीन क्या था आपका जब भर्ती आया था? तो उससे पहले आप पढ़ाई कर रहे थे या भर्ती आने के बाद शुरू किया था? तो बी एस पी सी के लिए आप क्या प्लानिंग किया था, किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे? तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो हम सारा पर सॉल्व किए हुए थे और सर जो वहाँ बताए थे कुछ क्वेश्चन वगैरह, कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह वो सब से, और फिर जो है सेट प्रैक्टिस किए थे कुछ। पूरा सिलेबस से हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है और आपका टेक्निकल भी है, तो सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रही थी कि केवल टेक्निकल पे फोकस था? घर पे जो पढ़ने का रूटीन होता है तो आप उस समय कितना घंटे घर पे टाइम देती थी, कोचिंग में कितना टाइम लगता था आपको, घर पे कितना टाइम आप? एक सवाल है कि अभी आपका सैलरी कितना है लगभग, मतलब ऑलमोस्ट बता दीजिए। 6 मंथ का छुट्टी मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम पे और 2 ईयर्स का बाद में मिलता है उसको चाइल्ड केयर के लिए। मान लीजिए कि मेडिकल फैसिलिटी में आपका तबीयत खराब होता है या कभी ऐसा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसका बिल वगैरह देता है या अपने से करना पड़ता है? मैडम ट्रांसफर का क्या सीन है, मतलब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि मेरा पोस्टिंग कहीं हो गया बिहार में, मान लीजिए हम चाहते हैं हमारा ट्रांसफर अपने आसपास डिस्ट्रिक्ट में या होम डिस्ट्रिक्ट में, ये संभव है, हो जाती है? लड़कियों को भी नाइट में ड्यूटी मिलता है या केवल बॉय? नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बी एस पी सी एल में सिलेक्टेड 2018 बैच के संगम कुमारी हैं और ये अभी पूर्णिया में ग्रिड में है कार्यरत हैं और सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हैं। आज ऑफिस विजिट की थी तो मैं सोचा कि आप लोगों से मुलाकात मैं करा दूँ इनका, तो बहुत कुछ हम जानेंगे बी एस पी सी एल के बारे में, पढ़ाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल ये रहेगा कि अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संगम कुमारी है और मैं जो है 132/33 के वी जी एस एस पूर्णिया में कार्यरत हूँ एज ए असिस्टेंट ऑपरेटर। मेरा कंट्रोल रूम में ड्यूटी रहता है। और ये कब किस बैच के आप सिलेक्टेड हैं? हमारी वैकेंसी जो है 2018 बैच में आई हुई थी, तो 2018 बैच में आया था। 2018 में जो कट ऑफ गया था वो कितना था और आपका नंबर कितना था? 2018 में जो कट ऑफ गया था वो लड़कों लोगों का जो है थोड़ा सा था, ज्यादा था, 55 के पार ही था, 56-57 इस तरह से गया हुआ था। लड़कियों का भी जो है कट ऑफ बाद में घटा दिया गया था इसी वजह से, क्योंकि पहले जो है वो 35% 30% इस तरह से जो है कैटेगरी वाइज किया गया था, लेकिन उस अकॉर्डिंग जो है सीट नहीं फुल होने की वजह से लड़की का वो जो है बाउंडेशन हटा दिया गया था। फिर लड़कियों को सबका अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है किसी का 8 ABC वगैरह का 8 नंबर पे लिया गया था, OBC वगैरह का 24 नंबर, इस तरह से 32 नंबर जनरल का लिया गया था। आपका नंबर कितना? मेरा नंबर 50 के आसपास था। तो पढ़ाई के बारे में हम जानना चाहेंगे कि पढ़ाई का रूटीन क्या था आपका जब भर्ती आया था, तो उससे पहले आप पढ़ाई कर रहे थे या भर्ती आने के बाद शुरू किया था? नहीं, मेरा जो ITI का सेशन है वो 2014-16 का है, तो उसके बाद हम पटना आ गए थे पढ़ने के लिए। और जो है 2018 में जो है वैकेंसी आई थी LP टेक्नीशियन की, रेलवे की, तो उस वजह से हम फाउंडेशन बैच कर रहे थे। तो आप मतलब पहले से ही तैयारी कर रहे थे? हाँ, टारगेट बैच जो है जब ये वैकेंसी आई थी रेलवे की तो उसमें हम टारगेट बैच भी किए हुए थे, तो हमारा ट्रेड भी पढ़ा हुआ था और ये जनरल कैप्शन का भी पढ़ रहे थे, तो इस वजह से मेरा तैयारी था थोड़ा सा अच्छा। तो BSPCL के लिए आप क्या प्लानिंग किया था, किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे? BSPCL के लिए इसके लिए हम अलग से कोई तैयारी नहीं किए थे, क्योंकि मेरा पहले से पढ़ा हुआ था और हम LP टेक्नीशियन के टारगेट बैच में पढ़ते भी थे, तो उस वजह से मेरा वहाँ पे ये ट्रेड भी पढ़ा हुआ था और इधर का सारा मैथ रीजनिंग वगैरह भी पढ़ रहे थे हम, तो उसी के अकॉर्डिंग और उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो हम सारा पर सॉल्व किए हुए थे और सर जो वहाँ बताए थे कुछ क्वेश्चन वगैरह, उस क्वेश्चन बैंक वगैरह वो सब से, और फिर जो है सेट प्रैक्टिस किए थे कुछ। तो ये बताइए कि जैसे आप पढ़ रही थी तो पूरा सिलेबस से हिंदी भी है, इंग्लिश में, रीजनिंग भी है, जीके भी है और आपका टेक्निकल भी है, तो सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रही थी कि केवल टेक्निकल पे फोकस था? नहीं, उसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन था, कंप्यूटर था। आप जो पढ़ाई कर रही थी इस कंप्यूटर से लेकर सारे सब्जेक्ट सिलेबस के अनुसार घर पे स्टडी करती थी या केवल टेक्निकल था? टेक्निकल पे ज्यादा मेरा फोकस था, क्योंकि टेक्निकल जो वो 50 मार्क्स का था और सारा सब्जेक्ट हम पहले से पढ़े हुए थे, इस वजह से उतना नहीं था मेरा। अच्छा, तो कंप्यूटर के लिए आपने कोई अलग से पढ़ाई किया या कोई क्वेश्चंस? कंप्यूटर का कोर्स हम 1 साल का किए हुए हैं, ADC का कोर्स किए हुए थे, तो इस वजह से हमको बाद में उतना पढ़ने का नहीं था और 10-15 मार्क्स का ही था, तो ऐसे भी हमको 100 में 50 के आसपास मार्क्स था। अच्छा, तो बच्चों का सवाल ये होता है कि मतलब घर पे जो पढ़ने का रूटीन होता है
तो आप उस समय कितना घंटे घर पे टाइम देती थी, कोचिंग में कितना टाइम लगता था आपको, घर पे कितना टाइम आप देते थे? मेरा क्या था कि उस समय दो वैकेंसी थी, एक रेलवे की थी उसमें पीटी मेंस और बाद में साइको वगैरह भी था, और ये बीएसपीएससीएल का भी वैकेंसी आई हुई थी। तो मेरा वहाँ जो क्लासेस होती थी 4-5 घंटा, उसके अलावा भी हम 5-6 घंटा पढ़ते थे। और मेरा क्या था कि एसएससी पे भी फोकस था, क्योंकि मेरा शुरुआती था उस समय फाउंडेशन बैच का, नया नया पटना में आए थे तो अच्छे से पढ़ते थे हम, तो एसएससी वगैरह पे भी ध्यान। हाँ, मेरा थोड़ा थोड़ा सब पे ध्यान था, क्योंकि मेरा वो शुरुआत का लर्निंग टाइम था, तो सब लोग सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, तो उसी तरह से हम भी सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। तो अचानक से ये मौका बीएसपीसीएल का मिल गया और आपका नौकरी हो गया? अचानक से ये मौका मिला सही में, और सौभाग्य की बात है कि हम सिलेक्टेड भी हुए और जनरल कैटेगरी से सिलेक्टेड हुए थे। जनरल से? उसमें मार्क्स तो नहीं दिखा गया था, बट बाद में जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो हम लोग का सीनियरिटी लिस्ट आया हुआ था, तो उसमें मार्क्स दिखाया गया था। सैलरी लिस्ट उस समय कितना सैलरी था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में इसमें 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, लेकिन 2 इयर्स के प्रोबेशन पीरियड में 1 ईयर जो है आपको स्टाइपेंड मिलता है लगभग 12,000 के आसपास टोटल, और उसके बाद 1 ईयर के बाद आपको फुल सैलरी मिलता है। तो हम लोग असिस्टेंट ऑपरेटर हम थे, तो मेरा 3200 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग 1 ईयर के बाद मेरा 29200 बेसिक था उस समय पे, 29200। हाँ, 6th पे के अकॉर्डिंग। अब जो है नया बेसिक चेंज हो गया, हम लोगों को सैलरी 7th पे के अकॉर्डिंग मिलता है, तो अब जो नया जो सैलरी हुआ है वो 31,000 बेसिक अभी असिस्टेंट ऑपरेटर का है, और अभी जो वैकेंसी टेक्नीशियन 3rd की आई है उसका बेसिक 27,000 कुछ रुपया है, लेकिन अगर सैलरी देखा जाए तो 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड के बाद वो लोग को भी 45,000 के आसपास, मतलब ओवरऑल एचआर टीएडी वगैरह जोड़कर 45 के आसपास चला जाएगा। क्या है कि स्पेशल एनर्जी 6% मिलते हैं, इसके वजह से सैलरी थोड़ा ज्यादा होता है। तो अभी एक सवाल है कि अभी आपका सैलरी कितना है लगभग, मतलब ऑलमोस्ट बता दीजिए। अभी जनवरी का अगर देखा जाए तो 7th पे के अकॉर्डिंग मेरा इन हैंड जो है 51,000 के आसपास है, 50-51,000 रुपए के आसपास है। इन हैंड सैलरी कितना होगा इसमें से? इन हैंड सैलरी, इन हैंड 51,000 रुपए है, तो ऐसे जो ग्रॉस सैलरी जो है वो 60 के अबव है, उसमें हम लोगों का लगभग 12-13,000 रुपया एनपीएस में कटता है, और हम क्वार्टर लिए हुए तो वो भी 8% हमको नहीं मिलता है। तो क्वार्टर आपको मिला हुआ है, तो टोटल सैलरी लगभग 60+ है, इन हैंड आपको 51,000 रुपए मिल रहा है, तो ये 4 साल में इतना सैलरी आपका हो गया है। तो क्वार्टर के लिए अच्छा, बीएसपीसीएल में क्या जो आप बिजली का उपयोग करती हैं, आप लोगों के लिए बिजली फ्री होता है? हाँ, वो जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हम असिस्टेंट ऑपरेटर है तो हमको 100 यूनिट पर मंथ जो है वो छूट मिलता है, 100 यूनिट का हम लोग बिल बल्ब ला सकते हैं। और ये मेडिकल फैसिलिटी वगैरह? हाँ, मेडिकल फैसिलिटी है, अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई घटनाएं होती है, तो उसका जो है इलाज करवाया जाता है, और इलाज का सारा रुपया आपको मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी है। लड़कियों के और सुविधाएं हैं, बहुत सारी छुट्टी है, जैसे 2 बेबी के लिए जो है वो 6 मंथ का छुट्टी भी होता है, ये चाइल्ड केयर के लिए भी 2 बेबी के लिए 2 ईयर का छुट्टी होता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। मतलब 2 बेबी ही, मतलब इससे ज्यादा के लिए आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी? नहीं, 2 बेबी के लिए 6 मंथ का छुट्टी मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और 2 इयर्स का बाद में मिलता है उसको चाइल्ड केयर के लिए। चाइल्ड केयर के लिए? तो और जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए भी कुछ ऐसा व्यवस्था है क्या, बीएसपीसीएल की तरफ से कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं क्या? नहीं, पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। और मेडिकल में मान लीजिए कि मेडिकल फैसिलिटी में आपका तबीयत खराब होता है या कभी ऐसा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसका बिल वगैरह देता है या अपने से करना पड़ता है? जैसे आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे आई प्रॉब्लम हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ ज्यादा, तो आप अगर दिखाते हैं किसी हॉस्पिटल में, मेजर प्रॉब्लम होता है कुछ भी, तो फिर आप अगर बिल वगैरह देते हैं तो आपको पैसा मिलता है। मैडम, ट्रांसफर का क्या सीन है, मतलब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि मेरा पोस्टिंग कहीं हो गया बिहार में, मान लीजिए हम चाहते हैं हमारा ट्रांसफर अपने आसपास डिस्ट्रिक्ट में या होम डिस्ट्रिक्ट में, ये संभव है, हो जाता है? ट्रांसफर का क्या है कि अभी जो है लगभग 4 जोन हो चुका है, पहले हम लोग के टाइम पे 3 जोन था, पटना जोन, मुजफ्फरपुर जोन और भागलपुर जोन, हम भागलपुर जोन में आते हैं, अभी सुपौल जोन भी बन चुका है। तो ये है कि एक जोन से दूसरे जोन में अगर ट्रांसफर करवाते हैं, ट्रांसफर का थोड़ा सा है लड़का लोगों को इशू है, लेकिन लड़की लोगों को क्या है कि लड़की लोग अगर होम डिस्ट्रिक्ट चाहे तो मिलता है उसको। जोन ट्रांसफर इजीली हो जाता है? जोन ट्रांसफर इजीली नहीं होता है, और क्या है कि अगर आप जोन ट्रांसफर करते हैं, एक जोन से दूसरे जोन में जाते हैं, तो आप जो है अभी सेंट्रलाइजेशन नहीं होने की वजह से आप जो है वो जूनियर हो जाएंगे, वहाँ पे जितने सारे आपके पोस्ट के इंसान है उससे सबसे नीचे आपका नेम हो जाएगा। तो मतलब पोस्ट नीचे से सैलरी भी कम हो जाएगा क्या? नहीं, सैलरी कम नहीं होता है, सैलरी जो आपको जगह के अकॉर्डिंग होता है, अगर आप टाउन एरिया में आपका है तो आपको सीटीए वगैरह भी मिलता है,
जैसे आप ये पटना का बात किया जाए तो पटना में ज्यादा सैलरी है, यहाँ पे एचआरए जो है वो आपको 16% मिलता है। अच्छा। हम लोग अभी पूर्णिया में रहते हैं तो 8% एचआरए डबल हो जाता है। हाँ, डबल हो जाता है। सीटीए यहाँ का ज्यादा है पटना का, और हम लोग का जो है वहाँ पे कम है। तो ये जो नौकरी है आपके हिसाब से मतलब आप खुश हैं, बेहतर है? हाँ, हम बहुत खुश हैं। हमको रेलवे में भी हुआ था बट हम नहीं गए, ये नौकरी मेरे लिए बहुत अच्छा है। घर के नजदीक है, मेरा घर जो है मधेपुरा के आसपास पड़ता है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया है, तो आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत। कितना घंटा काम करना पड़ता है यहाँ पे? शिफ्ट में ड्यूटी होती है, 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट की, 8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो ये शिफ्ट लड़कियों को भी नाइट में ड्यूटी मिलता है या केवल बॉयज? सबके लिए सेम है, लड़का लड़की सबके लिए सेम। तो 8 घंटा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा? शिफ्ट में करना पड़ता है, ये क्या अकेले नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे 2-3 आदमी मिलके शिफ्ट में रहना पड़ता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से ड्यूटी होती है। इमरजेंसी लीव होता है ना? इमरजेंसी ईएल होती है, ईएल मिलता है आपको साल में जो है 33, अभी जो है 33 ईएल मिलता है, और पर ईयर में जो है सीएल मिलता है आपको 1500 लोगों, और लड़की लोगों को स्पेशल लीव भी मिलता है मंथ में 2, तो छुट्टी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए, बहुत कुछ हम लोग जाने और बहुत कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, और भी कोई सवाल होगा तो कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।